हेलो दोस्तों, इंडियन आर्मी ब्लूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं और डेर ऐसी मूवीज के बारे में बात करने वाले जो आपको हिम्मत हारने से रोके और मोटिवेट करे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। वैसे तो हम जानते हैं कि एवरी एनिमे इज इंस्पायरिंग इन इट्स ओन वे, लेकिन फिर कई लोग ना समय की कमी की वजह से ज्यादा एपिसोड्स वाले एनिमे देख नहीं पाते, सो ये लिस्ट उन लोगों को काफी हेल्प करेगी। Tenth number, Makuya when the promised flower blooms. ये anime movie 2018 में release हुई थी और इस movie का genre drama और fantasy है। इस anime की story एक alternative universe में हुई थी जहाँ हमारी main character Makuya एक Irof नाम की special race से belong करती है और ये story उसी के life story के और उसके दोस्तों के बारे में है। साथ ही साथ ये मूवी हमें ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव और ग्रीडी माइंडसेट को भी क्लियरली दिखाता है और मदर एंड चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप को भी बखूबी दर्शाता है। स्टोरी की स्टार्ट होती है एक ब्यूटीफुल बैकग्राउंड के साथ जहाँ पे मकुया के विलेज पर अटैक हो जाता है और कई सारे आयरोफ मारे जाते हैं और वहीं से मकुया का सफर चालू होता है। ये मूवी काफी सारी चीजों को एक साथ लाकर एक ऑसम और हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन विद अ ब्रिलियंट एनिमेशन आपको प्रेजेंट करती है। MAL पर इसे 8.45 की रेटिंग मिली है और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो नाइन्थ नंबर पे है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा द ग्रेट इंडियन एपिक पोएम रामायण पर बनाई गई थी ईयर 1992 में। वैसे तो इसे हिस्टोरिकल माइथोलॉजी मानी जाती है और जॉनरा वाइज ये एडवेंचर और एक्शन जॉनरा में क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर आपने कभी रामायण देखी है या फिर सिर्फ इसके बारे में सुना भी होगा तो आपको पता ही होगा कि ये पूरी स्टोरी भगवान राम के पुरुषोत्तम चरित्र और जीवन पर है जो कि लिखी गई है लोगों को उससे इंस्पायर करने के लिए और बिल्कुल वैसे ही जीने के लिए। अगर इस मूवी को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हटा कर सिर्फ एक एनिमे मूवी के रूप में भी देखे तो भी ये मूवी काफी ऑसम है क्योंकि इसकी एनिमेशन, बैकग्राउंड सॉन्ग्स एंड स्क्रिप्टिंग वाकई में अच्छी की गई है। इस मूवी को माय एनिमे लिस्ट पर 7.96 की रेटिंग मिली है और ये भी एक मस्ट वॉच एनिमे मूवी है। On the 8th number we have Tokyo Godfather. Tokyo Godfather year 2003 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर सतोशी कोन ने। अगर आपने सतोशी कोन की और मूवीज देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि ये मूवी भी उनकी अमेजिंग स्टोरी टेलिंग की एक निशानी है। ये मूवी तीन लोगों के बारे में है जिनके पास ना रहने के लिए छत और ना ही खाने के लिए पैसे हैं, लेकिन एक क्रिसमस ईव पर इन्हें टोक्यो में खाना ढूंढते समय एक बच्चा मिलता है और इन तीनों को एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस बच्चे के लिए। ये मूवी वाकई बहुत एंटरटेनिंग है और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा इसे देखने में और आप इससे काफी कुछ सीख भी पाएंगे। इसे MAL पर 8.29 की रेटिंग मिली है और ये एक बहुत अच्छी क्रिसमस स्पेशल मूवी है जो कि आप क्रिसमस के आराम देखना पसंद करोगे। तो सातवें नंबर पे बॉय एंड द बीस्ट। ये मूवी 2015 में जापान की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग डोमेस्टिक फिल्म थी जिसे होसोदा मामोरी ने डायरेक्ट किया जिसकी रेटिंग है 8.36 की। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर रेन एक 9 साल का बच्चा है जो बहुत जिद्दी है लेकिन लोनली भी। वो किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। आफ्टर ऑल उसके लाइफ में इतने सारे हादसे हुए, उसकी मॉम ट्रक एक्सीडेंट से चल बसी और उसके पापा का तो कोई अता पता ही नहीं और इसके बाकी सारे रिलेटिव्स भी इस पर ध्यान नहीं देते। सो एक दिन वो परेशान होकर घर छोड़ देता है लेकिन गलती से वो एक बीस्ट रियलम में पहुंच जाता है जहां हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम है कुमा जो कि एक बीस्ट है और वो भी रेन की तरह जिद्दी और लोनली है, इसलिए वो उस वर्ल्ड का गॉड नहीं बन पा रहा। वरना उसमें वहां के गॉड बनने की सारी खूबी है लेकिन वो किसी से मिलजुल नहीं पाता। सो कुमा को प्रूव करना होगा कि वो गॉड बन सकता है और फिर हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स का एडवेंचर शुरू होता है जो कि बहुत हार्ट वार्मिंग है और एक्शन से भी भरा हुआ है। लेकिन अगर आपने वन पीस देखा है तो आप जानते हो कि एडवेंचर एनिमे भी हमें कितना रुला सकती है। सो लाइफ प्रिंसिपल सिखाने के साथ साथ ये इमोशनल भी कर देगा आपको, सो इसे मिस मत करना। ऑन द सिक्स्थ नंबर वुल्फ चिल्ड्रन। Wolf Children was released in 2012 और ये भी the great director होसोदा मामोरू की बनाई एक मास्टरपीस मूवी है। ये मूवी नरेटिव एस्पेक्ट में बनाई गई है जहां यूकी अपनी मॉम की स्टोरी हमें सुना रही है अबाउट हाउ शी रेज्ड टू वुल्फ चिल्ड्रन एंड फुलफिल्ड हर ड्यूटी एज अ मदर।
ये एनिमे मूवी एक प्योर और होलसम स्टोरी लाइन के साथ बनाई गई है स्पेशली डेडिकेटेड टू आवर मदर्स शोइंग अस दैट आवर मदर्स डोंट रियली नीड एन इंस्पिरेशन टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर आवर बेटरमेंट। वुल्फ चिल्ड्रन एक बहुत ही होलसम एनिमे मूवी है और इसे आप शायद मदर्स डे या फिर अपनी मॉम के बर्थडे पर उनके साथ बैठकर देखना पसंद करोगे। इस मूवी को MAL पर 8.66 की रेटिंग मिली है और ये हमारी लिस्ट में 6 नंबर पे रैंक करती है। तो पांचवें नंबर पे द विंड राइजेस 2013 में रिलीज हुई है और ये एक रेनाउंड गिबली मूवी है। ये मूवी तुम्हें स्पेशली मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लगेगी अगर तुम एक इंजीनियर हो या फिर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो। इस मूवी का सेटअप वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का है जब इंजीनियर्स बेरोजगार नहीं होते थे। तब जापान वर्ल्ड वॉर 1 के नुकसान से ऊपर उठ रही थी विद अ बिट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। सो ये मूवी जीरो नाम के लड़के के ऊपर है जिसका सपना है एयरप्लेन बनाने का। जी हाँ, बड़े गोल्स। और इसके साथ आपको एक क्यूट रोमांस ट्विस्ट भी देखने मिलेगा। सो इसे जरूर देखना। इसे माय एनिमे लिस्ट पर 8.14 की रेटिंग मिली है और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। ऑन द फोर्थ नंबर द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। The Grave of the Fireflies was released in 1988 और ये भी स्टूडियो जिबली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और अवार्ड विनिंग एनिमे मूवीज में से एक है। ये मूवी पॉजिटिव इंस्पिरेशन से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है और इसीलिए हमने इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज भी बिल्कुल एक टिपिकल जिबली फिल्म है वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में और कैसे कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस वॉर की वजह से। इस एनिमे के दोनों मेन कैरेक्टर सेत्सुको और सेता को बहुत सी हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी क्योंकि उनके डैड वॉर पर थे और उनकी मॉम की डेथ हो गई थी एयर बॉम्बिंग की वजह से। और ये एक बहुत ही हार्ड टचिंग और वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज में से एक है इस लिस्ट की। इस मूवी को 8.51 की रेटिंग मिली है और ये मेरी हाईएस्ट रेकमेंडेड मूवीज में से एक है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉप 3, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। और हमने एक और लिस्ट बनाई है जो ओटाकुस्तान के चैनल पर आपको मिल जाएगी जिसका नाम है टॉप 10 रोमांटिक एनिमे मूवीज। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट टू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तीसरे नंबर पे है अ साइलेंट वॉइस। अ साइलेंट वॉइस 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने भी कई अवार्ड्स जीते। इसे द फेमस डायरेक्टर नाओको यामादा ने डायरेक्ट किया जिन्होंने क्लैनड और तामाको मार्केट जैसे और भी कई एनिमे डायरेक्ट किए। कोइनो काताची एक मूवी है अबाउट सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि बुलिंग, फिजिकल डिसेबिलिटीज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इस मूवी ने बहुत ही ब्रिलियंटली इन सब इश्यूज को एक 2 घंटे की शॉर्ट स्पैन में दिखाया और कैसे हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीजों से उभर के आता है वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है देखने। और ये कैरेक्टर डेवलपमेंट यूजुअली आपको एनिमे सीरीज में देखने को मिलती है लेकिन इसमें आपको 2 घंटे की मूवी में देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट मेक दिस मूवी सो मच मोर बेटर। इसे माय एनिमे लिस्ट पर 9.01 की रेटिंग मिली है और अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो तुम पता नहीं किस पत्थर के नीचे जी रहे हो। सो बेसिकली दिस इज माय बेस्ट एंड फेवरेट मूवी, सो इसे जरूर देखना। नेक्स्ट अप ऑन द सेकंड पोजीशन प्रिंसेस मोनोनोके। प्रिंसेस मोनोनोके 1997 में रिलीज हुई है और ये भी एक स्टूडियो जिबली की अवार्ड विनिंग मूवीज में से एक है। द बेस्ट पार्ट अबाउट जिबली मूवीज इज दैट दे ऑलवेज ट्राई टू इंस्पायर पीपल एंड गिव मोरल। और सबसे सही तो ये बात है कि आप इन मूवीज को अपने घर वालों के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। प्रिंसेस मोनोनोके की बैकग्राउंड सेटिंग एक फैंटेसी वर्ल्ड में की गई है जहां दिखाया जाता है कि कैसे ह्यूमन रेस इवॉल्व कर रही है लेकिन उसके साथ ही साथ ह्यूमंस कैसे नेचर को हार्म कर रहे हैं। ये मूवी मैं स्पेशली कहूंगी लड़कियों के लिए इंस्पायरिंग है क्योंकि आई बिलीव ईच एंड एवरी गर्ल कैन बी प्रिंसेस मोनोनोके दैट इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। ये मूवी हमें नेचर और ह्यूमंस के बीच के क्लैश को दिखाती है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमको देती है। इस मूवी को MAL पर 8.73 की रेटिंग मिली है और ये भी मेरी वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड मूवीज में से एक है। तो पहले नंबर पे समर वॉर्स। समर वॉर्स 2009 में रिलीज हुई एक होसोदा मामोरू की अवार्ड विनिंग मूवी है और पता नहीं क्यों फिर भी ये मूवी बहुत अंडररेटेड है। समर वॉर्स की बैकग्राउंड सेटिंग एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में हुई है जहां लोग एक स्पेशल एप्लीकेशन यूज करते हैं अपना सारा काम करने के लिए। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपने गाँव जाते हो सबसे मिलने तो ये मूवी आपको बहुत रिलेटेबल लगेगी। वैसे तो मैंने इसे पहली बार जब देखा था मुझे एक नॉर्मल फन टाइप मूवी लगी थी लेकिन इस मूवी में
हर कैरेक्टर का अपना एक अलग तरीका है लोगों को इंस्पायर करने का। जैसे इस मूवी के मेन कैरेक्टर केंजी का बाय नेवर गिविंग अप और उसके मन में जो आता है वो सीधे बोल देता है, काजुमा का बाय ओवरकमिंग हिज फियर्स एंड डिफीटिंग एवरीवन, और दादी अम्मा साकाए का मुश्किल वक्त पर भी हार ना मानने वाली और उल्टा सबका हौसला बढ़ाने वाली बात। और ऐसे ही हर एक कैरेक्टर का अपना एक रोल है इस मूवी में, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ओवरऑल ये मूवी एक कलरफुल टॉप नॉच कॉमेडी एंड साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। लेकिन इसकी इंस्पायरिंग स्टोरी लाइन, अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर्स एंड ऑसम स्केच की वजह से इसे हमने नंबर 1 पर रखा है एंड दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी। वी नो कि अभी कई सारी एनिमे मूवीज हैं जो कि इंस्पायरिंग है, स्टिल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिकर की कोई बात नहीं क्योंकि इसका सेकंड थर्ड पार्ट भी आ सकता है। सो अगर आपने इन मूवीज में से किसी एक को भी नहीं देखा है तो पक्का देख लेना। और हाँ, ओटाकुस्तान के चैनल पर टॉप 10 रोमांटिक एनिमे मूवीज वाले लिस्ट को देखना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुक्रिया माता ने मीन।